हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। हमेशा की तरह मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और सोचें कि हमारे अंदर क्या कमी है। ये कहानियाँ जितनी भी अभी तक मैंने सुनाई हैं, अगर उनको आप सुनकर अपने जीवन में धारण करेंगे, उस पर चलेंगे या उसको किसी को सुनाकर मोटिवेट करेंगे, तो सच मानिए लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे। राजा को किसी ने दो बाज गिफ्ट किए। बाज मतलब जानते हैं, ईगल गिफ्ट किए, बाज गिफ्ट किए। और वो जो बाज थे वो बड़े ही अलग, बहुत ही अच्छी नस्ल के थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। तो राजा ने कभी ऐसे बाज देखे नहीं थे, तो इसलिए स्पेशल बाजों के लिए उन्होंने एक स्पेशल इंसान सेलेक्ट किया, एक नियुक्त किया उनकी देख रेख करने के लिए, और वो आदमी उनकी सेवा में लग गया। अब कुछ दिन बाद जब राजा आए तो उन्होंने देखा कि बाज काफी बड़े हो गए हैं और काफी शानदार दिख रहे हैं, पहले से भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो राजा ने उस रखवाले से कहा कि तुमने इनका पालन पोषण अच्छी तरीके से किया है, अब मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ कि ये कैसे उड़ते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप थोड़ा सा रुकिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम इनको उड़ने का आदेश दो। तो उस इंसान ने इशारा किया और दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाई में उड़ने लगा और दूसरा बाज थोड़ी दूर उड़ा और वापस आके उसी डाल पे बैठ गया जहां से वो उड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ी आश्चर्य हुई कि क्या बात है। तो राजा ने उसे, जो संरक्षक था, जो उनका केयरटेकर था, उससे पूछा कि क्या बात है, ये वापस क्यों आ गया, वो तो इतनी ऊंचाई में उड़ रहा है और ये वापस क्यों आ गया। तो जो केयरटेकर थे उन्होंने कहा, महाराज मैं भी बहुत परेशान हूँ, ये थोड़ा सा उड़ता है और फिर उड़कर आके वापस इसी डाल पे बैठ जाता है। तो राजा बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने दूसरे दिन घोषणा करवा दी कि जो भी इस बाज को ऊंचाई तक, जैसे दूसरा बाज उड़ता है वैसे उड़ाएगा, उसको वो सोने की मोहरें देंगे। फिर क्या था, लोगों का तांता लग गया, विद्वान दूर दूर से आए और सभी ने कोशिश की। सप्ताह बीत गए लेकिन उस बाज की जो आदत थी वो न मिली, वो थोड़ा उड़ता और फिर वापस आके उसे डाल पे बैठ जाता। अब राजा बड़े परेशान कि कोई हल नहीं निकल रहा है, लोग बड़े परेशान कि कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे एक दिन गुजरा तो अचानक एक दिन राजा ने देखा कि वो बाज ऊपर आकाश में उड़ रहा है अपने दोस्त के साथ। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे हुआ, किसने किया, पता लगाओ, उसको मैं इनाम दूंगा। फिर सबने पता लगाया तो पता चला कि ये एक किसान का काम है। तो वो किसान राजदरबार में बुलाया गया। जब वो किसान राजदरबार में आया तो राजा ने उन्हें इनाम दिया। इनाम देकर उन्होंने कहा कि बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि आपने क्या किया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, आपने ऐसा क्या किया कि ये बाज अपने साथी के साथ उड़ने लगा। वो किसान मुस्कुराया और कहता है कि महाराज मैं तो एक गरीब अनपढ़ किसान हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं आता, बस मैंने क्या किया वो डाली ही काट दी जिस पे ये आके बैठता था और बस ये उड़ने लगा। तो इस कहानी का जो ध्येय है, जो मतलब है, हम भी उड़ने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हैं, लेकिन हम अपनी आदतों से, अपनी लग्जीरियस लाइफ से जब तक नहीं निकलते, जब तक हम उन्हें त्यागते नहीं है, तब तक हमें आलस घेरे रहता है,
आप कूलर में एसी में रहने के अगर आदी हो जाते हैं तो आप उसमें रहते हैं, और जब कूलर और एसी में रहेंगे तो आपके शरीर को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, और जब आपके शरीर को आराम मिलेगा तो आपको नींद आएगी, तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो एक पुरानी कहावत है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ना पंचलक्षण। आपको आपने शायद सुनी होगी, ये पता होगा आपको, ये जो दोहा मैंने कहा कि काग चेष्टा, काग की तरह कौवे की तरह चेष्टा करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो, बको ध्यानम बक की तरह, स्वान की तरह, बगुले की तरह ध्यान लगाओ, ध्यान से अपने एम को हासिल करो, स्वान निद्रा कुत्ते की नींद सो, हर समय आलस में नहीं सो, और अल्पहारी थोड़ा खाना खाने वाला, और गृह को त्यागने वाला ही जो है वो असली स्टूडेंट होता है। तो बेटा आप लोगों को ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो और यही टाइम परफेक्ट टाइम है आपको अपने करियर और एम को बिल्डअप और पाने का। तो अगर आप भी उस डाल को छोड़कर, उस डाल मतलब आलस की डाल को छोड़कर, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उड़ेंगे तो सक्सेस जरूर आपको मिलेगी, सक्सेस कहीं भी नहीं जा सकती। तो आप अपनी जो विलासिता की, जो आराम की जिंदगी है, उस डाल को काट दीजिए। आराम से हराम ही होता है, आराम से सफलता नहीं आती। कभी भी किसी को आपने नहीं सुना होगा कि आराम करते करते वो सक्सेसफुल हो गए, काम करते करते, मेहनत करते करते जो सुना होगा कि इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की तो आज वो सफल हो गए। मेहनत रूपी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो आलस्य रूपी डाल को काट देना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, उनको मैं जरूर पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं करती हूँ। तो आई विल बी बैक विद अ न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।